हेलो फ्रेंड्स, आज हम TLE ERP 9 में लेजर्स क्रिएशन सीखेंगे फॉर द लेजर, जिसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में जाना रहेगा। उसमें अकाउंट्स इन्फो में जाना रहेगा लेजर क्रिएट करने के लिए। हम अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करते हैं। अकाउंट इन्फो पे एंटर करते ही आपको इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें लेजर सिलेक्ट करना है। लेजर पर क्लिक करते ही लेजर विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सिंगल लेजर और मल्टी लेजर है। हमें सिंगल लेजर क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो सिंगल लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको दिया है नेम, जो भी लेजर का नेम देना है। उसमें बाद में दिया है अंडर ग्रुप, यानी अंडर किस अकाउंट के ग्रुप में डालना है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है लाइबिलिटीज लेजर क्रिएशन, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है लेजर एंड ग्रुप। अनिल्स कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। हम यहाँ पर फर्स्ट बनाते हैं अनिल्स कैपिटल। जो पर्सन अमाउंट ला रहा है तो उसे कैपिटल कंसीडर की जाती है, तो नेम में हमने अनिल्स कैपिटल रखा और अंडर ग्रुप में हम कैपिटल सिलेक्ट करेंगे। कैपिटल लिख के एंटर करिए, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल सिलेक्ट करिए और हम इस लेजर को एक्सेप्ट करवा देंगे। मेन डिटेल्स में पार्टी की सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे नेम दिया है, एड्रेस दिया है, आपको एड्रेस टाइप करना है तो आप यहाँ से एड्रेस भी टाइप कर सकते हो। पिन कोड है, स्टेट है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो पार्टी नेम की। जैसे हम यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर रहे हैं, स्टेट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गुजरात लिस्ट ऑफ स्टेट में से। इसी तरह से हम डिटेल डाल सकते हो, अगर किसी एम्प्लॉय का टिन नंबर या फिर पैन नंबर है तो वो भी यहाँ से आप डाल सकते हो। सेल्स टैक्स नंबर है, CBT है, CST है, तो CST भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो। अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे लेजर को। नेक्स्ट लेजर बनाने के लिए अगेन हम लाइबिलिटीज ऑफ लेजर क्रिएशन पे जाते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट, वो भी कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में आता है, तो हम अगेन टैली में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। अलायंस में अगर आपको कोई सब नेम देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज अंडर ग्रुप ड्राइंग आएगा कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ से कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो नेम, मेलिंग डिटेल्स में नेम में ऑटोमेटिकली ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। अगर आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है जो फर्दर नीचे दी हुई हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करवा सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट लेजर आपको दिया है मिस्टर राघव। मिस्टर राघव जो सन्ड्री क्रेडिटर हैं, तो उसके लिए अगेन हमें टैली में जाना रहेगा लेजर क्रिएट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे नाम में लिखेंगे मिस्टर राघव, जो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं। अंडर ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे। एल्स में आपको अगर कोई डिटेल देनी है तो आप इस तरह से एल्स में भी दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट डिटेल बताया जाएगा। उसके बाद अंडर ग्रुप में हम यहाँ से सेंडरी क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे और अभी हम ये सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट करवा देंगे स्टोर करने के लिए। मेंटेन बिल वाइज डिटेल में यस रखेंगे, क्योंकि जो पार्टी वंस एक बार आपके साथ बिजनेस कर रही है तो उसी नंबर से जानी जाए इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगेन हम देखेंगे वेट TDS सर्विस टैक्स, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं, तो हम इसका भी लेजर एंड ग्रुप बना सकते हैं। अगेन हम टैली में जाएंगे, यहाँ पर हम डाल रहे हैं वेट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, तो हम यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी दिया है, एक्साइज है या अदर है। अगर वेट है तो एक्साइज सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल अगर आपको देना है, एडिशनल ड्यूटी है, सेस है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हो। और अमाउंट परसेंटेज कितने रखने हैं, कितने परसेंटेज आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 5% डाला। और टैक्स बेस्ड ऑन द आइटम रेट सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल राउंडिंग सेट करेंगे, एक्सेप्ट करवा दीजिए। इस तरह से आपका लेजर बन गया। उसके बाद आपको दिया है बोनस। अगर हम किसी को बोनस दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है, तो हम बोनस को करंट लायबिलिटीज़ में डालेंगे और स्क्रीन के राइट हैंड साइड में से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हम सेलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज़, और अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लेजर है,
इलेक्ट्रिसिटी पेबल, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे करना है, तो उसे भी हम करंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक लेजो क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अंडर ग्रुप में हम डालेंगे करंट लाइबिलिटीज़ और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया है सैलरी। सैलरी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर होती है, तो हम अगेन टैली आर पी नाइन में जाएंगे और यहाँ पे नेम में लिखेंगे सैलरी। एल्स में आपको अगर डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज अंडर ग्रुप में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे एंटर करते ही आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, एक्सेप्ट करवा के लेजर क्रिएट करवा सकते हो। इस तरह से हम लेजर बना सकते हैं, डिस्प्ले में जाके हम लेजर्स को देख भी सकते हैं जो हमने बनाए हैं। थैंक यू।